हम लोग बात कर रहे थे कि बड़ा लक्ष्य जब हम रखते हैं तो हमारे सामने कंपटीशन बहुत कम होता है, और उसके बाद क्या कि हमें लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर आप अपने फायदे की बात करेंगे समाज में तो हो सके बहुत कम लोग आप करेंगे, लेकिन जब आप समाज के बारे में बात करते हैं तो लोग आपको बहुत मदद करते हैं। जैसे हमारे फिल्म स्टार बहुत सारे हैं, लेकिन आज के समय में जो सोनू सूद के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो लोगों की मदद करते हैं, तो उनके साथ क्या है कि वो जब एडवर्टाइजमेंट करने जाते हैं तो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए वो कहते हैं हम डबल चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको लोगों की मदद करना है, लोग खुशी खुशी उनको दे देते हैं। लेकिन वही कोई दूसरा एक्टर कहेगा कि हम डबल चार्ज करेंगे तो लोग उससे हटेंगे। तो समाज के बारे में जब आप सोचते हैं तो सब आपकी मदद। इसी तरह से नशा, जब आप नशे से दूर होना चाहेंगे, जब आपके जीवन में बड़ा लक्ष्य रहेगा तो नशा आपके सामने बहुत छोटा। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि खुद का कम मूल्यांकन करता है। जैसे हम क्या होता है ना कि हम अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं, अपने आप को हम बहुत कमज़ोर समझेंगे, अपने आप को बहुत लाचार समझेंगे, अपने आप को बहुत वीक समझेंगे। और जब ये सब चीज़ें हम समझने लगते हैं खुद को ना, तो फिर क्या होता है कि हम उसी तरह से आपको ट्रीट करते हैं, और जैसा हम अपने आप को ट्रीट करेंगे समाज में हमको उसी तरह से। जब आप नशा नहीं करते थे उस समय, जब आप घर में जाते तो आपका जो बच्चा है एकदम चुपचाप शांत होकर पढ़ाई करने लगता होगा, आपका जो घर वाले हों डर जाते होंगे आपकी पर्सनालिटी से ही, वो खौफ खाते हैं, डर जाते हैं, आपसे प्रभावित होते हैं। लेकिन जब आप नशा करने लगते हैं तब फिर क्या होता है, आपका वही बच्चा आपको गाली देता है, आपको डांटता है। क्यों डांटता है? क्योंकि आप तो वही इंसान हैं, पहले वही फैमिली आपका रिस्पेक्ट करता था और आज वही फैमिली आपका रिस्पेक्ट नहीं करता। कारण क्या है? कारण क्या है? नशा तो है ही है, उसके अलावा कारण ये है कि आप अपना मूल्यांकन खुद बहुत कम कर रहे हैं। आप अपने आप को समझ रहे हैं कि अब हम संसार पे बस बोझ हैं, बस पीते रहेंगे, खाते रहेंगे और ख़त्म हो जाएंगे, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। आप ये सोच रहे हैं कि अब हमसे कुछ होने जाने वाला है नहीं, अब नौकरी जैसे चले अपना बस मिलते रहे, जीवन कट जाए, कहीं नाले में पड़े रहें, कहीं पड़े रहें। उस तरह की पर्सनालिटी तो आपकी शुरुआत में नहीं थी, लेकिन बनी कैसे? क्योंकि आपने अपना उस तरह का मूल्यांकन किया, आप उस तरह के लोगों के संगति में रहें, आप उस तरह के विचार लिए, तो आप उस तरह के धीरे धीरे बन। हाँ, लेकिन जो जिस तरह की पहले की पर्सनालिटी थी उस तरह की अगर अभी भी बनाना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से थोड़ा समय के बाद बन जाते हैं। लेकिन इसके लिए क्या, नशे से दूर रहना पड़ेगा, आपको अपना विचार बड़ा बनाना पड़ेगा, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो सोचेंगे जैसा आप बिहेव करेंगे संसार आपके साथ उसी तरह से बिहेव करेगा। अगर आप सोचते हैं कि आप कमज़ोर हैं तो दुनिया भी आपको कमज़ोर समझेगी। अगर आप सोचते हैं कि आपसे जीवन में कुछ नहीं होगा तो दुनिया भी वही करेगी। तो कहने का मतलब है कि जो हम अपना तुलना करते हैं, जिस तरह हम अपने आप को मानते हैं, संसार भी हमको उसी तरह से मानता है। बहुत लोग यहाँ पे जिनको कहते हैं कि सर हमसे नशा नहीं छूटेगा, तो ये हकीकत, अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं छूटेगा तो फिर कोई मदद नहीं कर सकता है, कोई कब तक आपका साथ देगा, कब तक आपको देखेगा। तो सबसे पहले क्या है कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। कहा जाता है कि खुद को कभी सस्ते में ना बेचा करें, अपने आप को कभी भी सस्ते में ना बेचे। अब देखिएगा, एक ही कंपनी है, एक कंपनी में काम करने वाले को, 5 घंटा काम करने वाले को किसी को 80,000 मिलता है तो किसी को 8,000 मिलता है। एक ही जगह काम करने वाले को, एक ही ऑफिस में काम करने वाले किसी को 80 मिलेगा तो किसी को क्या मिलेगा? हो सके दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े हों, हो सके दोनों के पास एक ही डिग्री हो, लेकिन ये डिफरेंस क्यों है? ये सोच के कारण डिफरेंस है, कि हम कैसा सोचते हैं।
क्योंकि जैसा सोचेंगे हमारी पर्सनालिटी वैसी हो जाएगी, वैसे विचार हमारे अंदर से निकलेंगे, और जैसे विचार हमारे अंदर से निकलेंगे वैसा हम दिखेंगे। अब जैसे जब हम नशा करने लगते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम निठल्ले हैं, निकम्मे हैं, तो उसी तरह की संगति हमारी बनते चली जाती है, उसी तरह के लोगों के साथ रहते हैं, खंडहर में कभी पड़े रहेंगे, कभी नाले में पड़े रहेंगे, कभी कहीं पड़े रहेंगे। और जब वैसे लोगों की संगति में रहेंगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे हम वही बनते चले जाएंगे। तो सबसे पहले होता है सोच, हमेशा अपना सोच बड़ा रखिए, बड़ा सोचिए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अगर छोटी चीज़ों में फंस के रह जाएंगे तो अब आप देखिएगा कि आपको चीज़ें जो बांध के रखती है ना, वो आपसे बहुत छोटी होती है। जैसे आप एक बड़े इंसान हैं, अच्छा आपके तुलना में, आपके शरीर के तुलना में जो आप नशा करते हैं वो कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे मान के चले कोई टैबलेट खाता हो, कोई कुछ लेता हो, तो कितना पुड़िया लेता हो तो छोटा होता है। अब सोचिए एक छोटी सी पुड़िया आपके पूरे जीवन को बांधे हुए है। आपका परिवार छूट गया किस कारण, नशे के कारण, वो भी जो भी छोटा नशा हो। आपका घर छूट गया, परिवार छूट गया, बच्चे इज्जत नहीं कर रहे, समाज में कोई इज्जत नहीं है, संसार कुछ नहीं आपको इज्जत कर रहा है, सब गाली दे रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं कि बोझ बना हुआ है, आप खुद अपने आप कोस रहे कि हम कहाँ हैं। कारण क्या है, एक छोटी सी पुड़िया या फिर छोटा सा टैबलेट जो भी, तो एक छोटी सी चीज़ आपको बांध के रखी। अब यही जब आप सोचेंगे कि आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य आ जाए तो फिर ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक छोटा लगेगा, बहुत तुच्छ लगेगा। तो संसार में परिवर्तन, आपके जीवन में परिवर्तन तभी आता है जब आप बहुत बड़ा सोचते हैं। तब आप भटकेंगे कब, जब आपके पास छोटा लक्ष्य रहेगा तब आपके भटकने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जब आपके पास बड़ा लक्ष्य रहेगा तो आप भटकेंगे नहीं, भटकेंगे क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास रहेगा। तो कहा जाता है कि अपने आप को कभी भी सस्ते में ना बेचिए, आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, आप उसको जाने, उसको समझे और इस हिसाब से अपनी तुलना करें। अपने आप को कभी भी हीन ना समझे, अपने आप को कभी भी गिरा हुआ। देखिए अब क्या है कि जो घटनाएं हमारे साथ हो गई, जो चीज़ हमने गवा दिया, तो उसको तो हम पा नहीं सकते। अगर आज हम यहाँ बैठ जाएं और अपने पिताजी से चर्चा करने लगे, अपने माता से चर्चा करने लगे, तुमने हमारे लिए ये किया, इसी तरह हमने नशा किया, तुमने हमको वो कहा इसीलिए हमने नशा किया, जब हम बहुत चर्चा करने लगे इस पे, तो ये क्या चीज़ें वापस आएंगी। तो आपके जितनी सब चीज़ें आपने गवा दी है, जितनी भी सब चीज़ें गवा दी, वो दोबारा लौट के वापस नहीं आएंगी। हाँ, लेकिन क्या है कि जो चीज़ें बची हैं उसको तो आप बचा सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं ना, हम अभी कि हमने जो गवाया है तो गवा ही दिया है, अब उसको याद कर करके जो हमारा आज का भविष्य है उसको भी गवा रहे हैं। अब बहुत लोग हैं कहेंगे कि सर हमारे पिताजी ने हमको कुछ कहा था, हमारे चाचा ने हमको कुछ कहा था, इसीलिए आज हम दोबारा पीना, वो तो एक घटना हो गई। अब उस घटना को जितना बार आप यूज इस्तेमाल कीजिएगा, जितना बार उसके बारे में सोचिएगा, उतना बार जीवन आपका बर्बाद होगा। तो जो हम खो चुके हैं, जो हम गवा चुके हैं, उसको कितना भी कोशिश कर ले दोबारा वो नहीं आएगा। आपको घर से लड़ाई हुआ हो, परिवार से लड़ाई हुआ, वो चीज़ें दोबारा सही नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जो बचा है, जो आपका परिवार है, आपका जो सम्मान है, जो अभी बचा है, उसको तो बचा सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि जो हमारा बचा हुआ चीज़ है उसको और अच्छा से करना है। अब पीछे जो गया उसको जाने दीजिए, उसके बारे में बहुत नहीं सोचना है, क्योंकि जितना आप सोचेंगे वर्तमान उतना ख़राब होते चला जाएगा। आपके बार बार रिलैप्स होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम पुरानी चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं। किसी ने हमारे साथ चीट किया, उसी चीज़ को हम पकड़े हुए हैं।
किसी ने हमको गाली दिया, उसी चीज को पकड़े हुए और नशा किए जा रहे हैं। क्या आपके नशा करने से वो खत्म हो जाएगा? हकीकत ये है कि आपका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो चीज जैसे मान के चले कि आपके बच्चे के साथ लड़ाई हो गया, आपके तीन चार बच्चे एक बच्चे के साथ लड़ाई हो गया, आप नशा करना शुरू, लेकिन आप सोचिए कि आप अपने एक बच्चे की गलती बाकी सारे बच्चों को क्यों दे रहे हैं? अगर वाइफ ने कभी कहा है, आपको कुछ कहा ही होगा, तो वही वाइफ तो आपसे प्यार भी करती है, वही वाइफ अभी तक आपको झेल रही है। तो जो चीज़ हम गंवा चुके हैं उसके बारे में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। जितना आप चर्चा करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें और ख़राब होते चले जाएंगे। तो समझदारी इसी में है कि उसको भूल के नई शुरुआत। आप लोग के शाम के क्लास में ब्लास्टिंग होती है ना, जो भी चीज़ आज का है आज ही ख़त्म कर दो, कल उसको लेके। कारण क्या है? क्योंकि आज का कल लेके जाएंगे तो और बोझ बढ़ते चला जाएगा। जैसे अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है और आप बोझ पे बोझ लादते चले जाए तो कितना ऊपर चढ़ पाएंगे? ऊंचाई पे जाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? हल्का होना पड़ेगा। जितना आप हल्का होंगे उतना ऊंचा जाते, और जितना भारी रहेंगे उतना ज़्यादा बैठ जाएंगे। तो अब क्या है कि शारीरिक रूप से हल्के तो हम हो जाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से क्या होता है, हम बहुत भारी होते हैं। हर छोटी छोटी बात हम पकड़े बैठे हुए हैं, कभी किसी से बहस हुआ, कभी किसी से उलझन हुआ, हर चीज़ अपना दिमाग में पकड़े हुए हैं। अब दिमाग जब हमारा बहुत भारी हो जाएगा, तो क्या होगा? फिर हमको धीरे धीरे नीचे लेके जाएगा कि ऊपर? नीचे लेके जाएगा। और नीचे जैसे धंसते जाएंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा? यही सब मिलेगा, नशा, चोरी, हत्या, यही सब चीज़ें होंगी। जितने भी महापुरुष हैं वो क्या करते कि अपने आप को उनको कितना भी बुरा कहिएगा तो वो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, अब उस चीज़ को हम लेके जब तक बैठे रहेंगे तब तक समस्याएं होंगी। अब इसी चीज़ को समझाने के लिए हम आपको कहानी सुनाएं। कहानी क्या है कि दो साधु जा रहे थे। तो साधुओं के साथ क्या है कि कहा जाता है कि वो स्त्रियों से दूर रहते हैं। साधु जो होते हैं स्त्रियों से, जो दो साधु जा रहे थे तो एक जगह नाला पड़ा, कीचड़ उचड़ था, तो वहाँ बगल में एक सुंदर सी स्त्री खड़ी थी जो कीचड़ में मतलब उसका पैर वैर ख़राब ना हो जाए इसीलिए वो नहीं जा रही थी। हाँ, तो किनारे खड़ी थी। अब साधु रास्ता पार कर रहे थे तो एक साधु को लगा कि समस्या में है, ये नहीं पार करना चाहे, तो उन्होंने उनको गोद में उठाया और रास्ता पार करवा दिया। अब दूसरे साधु को उनको बड़ा बुरा लगा कि साधु तो कभी भी महिलाओं से दूर रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं। साधु बड़े बेचैन, खाना पीना अपना खाते रहे, सब चीज़ें चलती रही। दो दिन के बाद उनको समय मिला तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप तो कहते हैं कि महिलाओं से हमें दूर रहना चाहिए, संगति नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप उस स्त्री को उठाए और उसको पार कराएं, ये तो गलत है। तो जो उनके बड़े साधु थे उन्होंने कहा कि हमने स्त्री को उठाया और पार करवा दिया, मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा, हमने बोझ वहीं उतार दिया और तुम पिछले 2 दिन से उसका बोझ अपने दिमाग में लेके। तो यही होता है हमारे साथ कि कभी कभी कोई घटना हमारे साथ घटित हो जाती है, कुछ हमारे साथ गलत हो जाता है जो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन उसका बोझ हमारा जीवन भर लेके चलते और जीवन पूरा बर्बाद होता है। तो जीवन में जितने बोझ हों आप उसको हल्का माफ़ कर दीजिए। अगर किसी अगर बुरा लगा हो आप माफ़ कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, क्या साफ हो जाएगा, कोई तनाव नहीं रहेगा।
तो हाँ, अब ये क्या है कि ये सब चीज़ें कब होंगी, आप अपना सोच बहुत बड़ा रखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको परेशान। कुछ प्रश्न किसी के मन में चल रहा हो तो पूछिए जी। कहिए, एक गिलास पानी के लिए। आप पूछ रहे भगवान दो होते हैं क्या? जैसे कुछ बताइए एग्जांपल, जैसे कैसे? सुनाई।